अब सवाल बड़ा यह है कि धसते जोशीमठ को बचाया कैसे जाए, इस बारे में क्या एक्सपर्ट्स की राय है, ये पता लगाने की कोशिश की TV9 भारतवर्ष ने। यहाँ फर्श भी सारे दरवाजे भी बंद नहीं हो रहे हैं। परेशानी तो ये है कि 24 घंटे हाँ। यहाँ पर जो है जान अटकी हुई है। इतनी दरारें आ रखी हैं, ना तो पेशेंट सेफ है ना हम लोग सेफ। पहाड़ पर रहने वालों का हौसला दरक रहा है। जिस आशियाने में जिंदगी गुजारने का सपना देखा था, वहां अब रात गुजारने में भी डर लगता है। सवाल यह है कि चमोली के जोशीमठ और बद्रीनाथ में मकानों और मंदिरों में दरार क्यों आने लगी? जिस हिमालय के अटल होने की मिसाल दी जाती है, उसकी जमीन धंसने क्यों लगी? वाटर डिस्पोजल की यहाँ प्रॉब्लम है, पानी जमीन के अंदर जा रहा है, उसी के साथ हैवी कंस्ट्रक्शन काफी हो रहे हैं। जितना हम लोड डालेंगे स्लोप के ऊपर, उतनी उसमें अनस्टेबिलिटी आएगी। जो नदी का कटाव है उसकी वजह से एग्रेवेट होते हैं, और 2011 में जो यहाँ बाढ़ आई है उसके बाद जैसा लोग बताते हैं कि अभी पेस ऑफ इरोजन या पेस ऑफ सिंकिंग हैज बीन मोर। जोशीमठ में रहने वालों का दावा है कि रैनी गांव में 7 फरवरी 2021 को आए फ्लैश फ्लड के बाद जमीन धंसने और मकानों में दरार के मामले बढ़े हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सब अचानक शुरू नहीं हुआ, इसका सिलसिला कई साल से चल रहा है। तो कई बार लगता है कि जो प्रभावित है उसको लगता है कि अभी भी हो रहा है, मे बी इट्स अ ऑनगोइंग स्लो प्रोसेस। मतलब ये लॉन्ग, मतलब बहुत समय से चलने वाली प्रक्रिया होगी जिसका असर अचानक से भी दिखने का। हाँ, देखने को अब मेरे घर के पास में आज हो रहा है तो मेरे को लगेगा कि आज ही हो रहा है, तो दैट्स अ काइंड ऑफ थिंग्स। सवाल है कि क्या जोशीमठ तबाह हो जाएगा, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि वो कौन से उपाय हैं जो धंसते हुए पहाड़ों को संजीवनी दे सकते हैं, उनकी जान बचा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन कम किया जाए, वाटर डिस्पोजल की बात की जाए, जितनी लोड कम होगा उतना नीचे जाने की संभावनाएं कम होंगी, जितना क्योंकि पानी फैसिलिटेट करता है सिंकिंग को, स्लोप मूवमेंट को, तो पानी जितना हम सेफ इधर उधर डिस्पोज कर लें दैट विल बी बेटर। जोशीमठ के जमींदोज होने का जो डर लोगों को आज सता रहा है, उसकी आशंका एक्सपर्ट्स ने करीब 50 साल पहले ही जता दी थी। तब जोशीमठ के कमिश्नर की अगुवाई में एक एक्सपर्ट कमेटी बनी थी जिसने अपनी डिटेल रिपोर्ट में कई बातें कही थी। जब 1970-71 में यह बाढ़ आई थी जोशीमठ की तरफ से, तो फिर 1972 में इसकी रिक्वेस्ट की गई, तो 1976 में एक तत्कालीन गढ़वाल कमिश्नर महेश चंद मिश्रा की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट बनी, हाई पावर कमेटी बनी थी, उसने इसका पूरा अध्ययन किया पूरे जोशीमठ का। तब भी दरारें थी, भूस्खलन हो रहा था, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि जोशीमठ जो है एक रेत के टीले पर बसा हुआ शहर है, यहाँ पर ज़्यादा से विस्फोट नहीं होने चाहिए, निर्माण कार्य ज़्यादा से ज़्यादा न हो और बिल्डिंग ज़्यादा न बने। इसके अलावा अलकनंदा के बाईं ओर जोशीमठ की तरफ को टिपान भी वर्जित किया था। टिपान पर रोक यानी पत्थरों की खुदाई पर पाबंदी, लेकिन एक्सपर्ट कमेटी की इस रिपोर्ट को सालों साल नजरअंदाज किया जाता रहा। इस लापरवाही का असर अब सामने आ रहा है। डर इस बात का है कि अगर सरकार और इलाके के लोग अब भी नहीं संभले तो शंकराचार्य का बसाया ये नगर इतिहास के पन्नों में सिमट जाएगा। संवाददाता कुमार कुंदन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार, ग्राउंड रियलिटी तो आपने दिखा दी, ये भी बता दिया कि मौके पर टीम्स आकर मुआयना कर रही हैं, हालात को देखते हुए अब एहतियात के तौर पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्या इनको कहीं और शिफ्ट करने को लेकर भी फैसला लिया जा रहा है? कुमार, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल सुरभि, जहां तक शिफ्ट करने की बात है तो लोगों ने अपने स्तर पे ही पहले अपने मकानों को शिफ्ट करने की कोशिश की। एक बात बताएं, पहले आपका मकान किधर था, फिर आप कहां से शिफ्ट करने की कोशिश किए? सर, मैं तो इधर ही हूं, शिफ्ट तो इन्होंने कराया। यहां ऊपर पे किया था सर शिफ्ट। अच्छा, मतलब पहले नीचे थे आप? हाँ। आज भी नहीं है, फिर ऐसी स्थिति में तो आदमी तो परेशानी हो जाएगा। तो आप लोगों ने नीचे से फिर ऊपर शिफ्ट होने की कोशिश की? हाँ जी। लेकिन उस मकान में भी हो गया दरार? हल्की हल्की सी है ना, पर क्या करना, फिर मजबूरी है। अच्छा, तो ये जो सुरभि ये स्थिति है जो शिफ्टिंग की आप बात कर रहे हैं, सरकार की तरफ से
फिलहाल अभी कोई शिफ्टिंग की योजना नहीं है, लोग स्थानीय तौर पर अपने आप को शिफ्ट करने की कोशिश किए। एक और मैं जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे सामने में जो आप ये नंदा देवी क्या चोटी दिख रहे हैं, इधर एक विष्णुप्रयाग डैम था और चाय गांव करके हुआ करता था, वो पूरा का पूरा गाँव धस गया था। बाद में सरकार ने उन गाँव वालों को रिहैबिलिटेट करने की कोशिश की और पूरे गाँव को दूसरी जगह बसाया। लेकिन अब सवाल ये है कि अब कितने गाँव को इस तरीके से बसाएंगे और क्या करेंगे, क्योंकि अभी जोशीमठ शहर की जो स्थिति है वो शहर बहुत अलग है, सामरिक दृष्टिकोण से अलग है, क्योंकि यहाँ बगल में चीन है, यहाँ ITBP है, इंडियन आर्मी है, जितनी भी एजेंसीज हैं सारी की सारी एजेंसीज हैं, और इसके अलावा ये रिलीजियस प्लेस भी है। ऐसी स्थिति में पूरे शहर को कैसे बसाया जाए या फिर उसका एक रेमेडी ढूंढा जाए ताकि इस तरह से, जैसे मान लीजिए ड्रेनेज सिस्टम सही करने की बात कर रहे थे या फिर दूसरे बेतरतीब तरीके से जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ऐसे भी एक्सपर्ट कर रहे हैं कि जमीन का टुकड़ा छोटा सा है, उस पर लोड बहुत ज़्यादा हो गया है, लोगों ने बड़े बड़े मकान बना लिए हैं, ये भी एक वजह हो सकती है। कई सारी इसको लेकर थ्योरीज आ रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एग्जैक्ट रेमेडी क्या है ये ढूंढना ज़्यादा ज़रूरी है, बशर्ते कि पूरे के पूरे शहर को खाली कराया जाए। लेकिन सरकार की कोशिश ये है कि पहले जहाँ पे क्रैक्स आ रहे हैं, जहाँ पे इस तरह की परेशानी हो रही है, उन लोगों को शायद शिफ्ट कराने की सोच रही है। हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया गया है और कोई पुख्ता बात नहीं की गई है। क्या आप लोगों को शिफ्टिंग के लिए सरकार ने कुछ ऑप्शन बनाया? शिफ्टिंग की तो कोई ऐसी योजना है नहीं, अगर ना ही कोई ऐसा किसी को कुछ शिफ्टिंग को लेकर, शिफ्टिंग का कुछ नहीं, सिर्फ लोग मात्र इस इतने खौफनाक किसी से अपने घरों को छोड़ रहे हैं। और शिफ्टिंग की तो कोई यहाँ पर कोई ऐसी बात, जैसे टीरी का तर्ज पर देखिए आप कहीं भी जाए शिफ्टिंग का, लेकिन यहाँ पर जो ये स्थिति यहाँ पर है, हर दिन पर डे जो यहाँ पर स्थिति भयानक स्थिति हो रही है, तो निश्चित रूप से आने वाले से बहुत चंद समय में यहाँ पर विस्थापन की यहाँ पर नितान्त आवश्यकता है। लेकिन अभी तक कोई यहाँ विस्थापन की बड़े विस्थापन की ओर शहर जा रहा है, बड़े विस्थापन की ओर शहर जा रहा है। चाय गांव के जैसे लोगों को विस्थापित किया गया था, वैसे जोशीमठ खासकर ये एरिया तो ऐसा हो गया कि यहाँ पर रहने लायक ही नहीं है। लेकिन यहाँ जरूर सरकार को यहाँ पर विस्थापन के विषय में सोचना चाहिए कि यहाँ का भविष्य क्या होगा। निश्चित रूप से, और बारिश का समय सबसे बड़ी परेशानी सूर्य बारिश को लेके है, बारिश में मकान और ज्यादा दरकते हैं, लोग बारिश में इस बात को भी लेकर डर रहे होते हैं कि बादल फटने और तमाम तरह की चीज़ें जो हैं इस इलाके में हो रही होती है, ऐसे में अगर कुछ अनहोनी होती है तो उसका क्या होगा? आपको लगता है कि बारिश में ये ज़्यादा परेशान करती है चीज़ें? हाँ सर, डर लगता है बहुत ज़्यादा, जैसे बारिश होती है तो बहुत डर लगता है, दरवाजे बंद कर रहे हैं तो आवाज़ आ रही है, फटने की आवाज़ आ रही है, हम जोर से भी दरवाजे बंद नहीं कर पा रहे हैं, कुंडियाँ नहीं लग रही हैं, बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा खाना भी नहीं लग रहा, घरों में ताला भी नहीं लगा, ताला भी नहीं लग रहा सर, ऊपर ऐसे ही खुला है, छोड़ा है, बिल्कुल दरवाजे बंद नहीं हो रहे हैं, कुंडियां लगी नहीं रही, रात को पानी छत से टपकता है, भालू का आतंक अलग से, 7 बजे के बाद तो इतना डर लगता है कि कहीं भालू दरवाजा खुल के अंदर ना आ जाए, दरवाजे बंद नहीं हो रहे तो डर तो लगेगा। अच्छा, जंगली जानवरों का भी आतंक, जंगली जानवरों का भी यहाँ पे आतंक है। कुमार कुंदन, बहुत बहुत शुक्रिया, ये बड़ी एक्सक्लूसिव कवरेज थी, और ये कुछ चीजें ऐसी की जाती हैं जिसमें एक सोशल कॉज और सोशल मैसेज बहुत बड़ा होता है। एक्सेलेंट रिपोर्टिंग कुमार कुंदन, हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।